नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसराइल और मालदीव को लेकर के एक बहुत ही अजीबोगरीब खबर आ रही है। वो ऐसी खबर है, समझ लीजिए कि मालदीव तो बहुत ही छोटा कंट्री है, पॉपुलेशन वाइज भी अगर देखें और लैंड वाइज भी देखें। इसराइल उसकी अपेक्षा बहुत बड़ा कंट्री है, लेकिन फिर भी मालदीव ने ऐसा स्टेप उठा लिया इसराइल के अगेंस्ट जो बिल्कुल ही चौंका देने वाला है। सोचिए, मालदीव खुद परेशान है, लेकिन वो कुछ ऐसा कर दिया इसराइल के साथ जो बिल्कुल अजीबोगरीब चीज है। दोस्तों, आइए समझाता हूँ कि मालदीव ने ऐसा क्या किया इसराइल के साथ जिससे दुनिया भी देख रही है, और उसका क्या भारत को कुछ फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, दरअसल खबर यह है कि मालदीव एक इस्लामिक कंट्री है, और उसने इस्लामिक कंट्री होने के नाते इसराइल के सिटीजन्स को अपने यहाँ आने पर बैन लगा दिया है कि अब इसराइली मालदीव में नहीं रह सकते और ना ही आ सकते ना घूम सकते हैं। सिर्फ इसलिए उसने बैन लगाया है क्योंकि इसराइल ने गाज़ा में अब जो अटैक और ज़्यादा स्टार्ट कर दिए हैं, तेज कर दिया है अपना अटैक, तो इसको रोकने के लिए कि इसराइल किसी तरह रोक दे अपना जो भी कर रहा है वहाँ पे अटैक वगैरह। सोचिए दोस्तों, मालदीव जबकि खुद परेशान है, उसके पास टूरिस्ट खुद नहीं आ रहे हैं, और जो आ भी रहे हैं उसको ये ऐसे रोक रहे हैं। तो एक तो ये है, दूसरी चीज़ मालदीव कह रहा है कि हम पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया उनके साथ मिलकर के एक मीटिंग करेंगे जिसमें ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी तरीके से इसराइल पे ऐसा प्रेशर बन जाए जिसकी वजह से वो इस युद्ध को रोक दे और लड़ाई झगड़ा ना करे। दोस्तों, ये समझ लीजिए कि इसराइल जो है उसके करीब 15,000 पीपल ऐसे हैं जो मालदीव में घूमने के लिए जाते हैं, 15,000, और भारत में जो आते हैं वो करीब 70,000 आते हैं। तो दोस्तों, इसराइल के लोगों को उसने मना कर दिया, तो ठीक है, इसराइल के लोग तो वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन इसराइल की जो एम्बेसी है वहाँ के और जो कुछ ट्विटर हैंडल्स हैं वो लोग बल्कि इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं कि अगर आपको मालदीव जैसा ही कुछ जगह घूमनी है तो इंडिया जाइए, इंडिया में आपको घूमने को मिलेगा। लक्षद्वीप एक जगह है, अंडमान निकोबार है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है जो देखने लायक जगह है, गोवा जाइए वहाँ पर घूमिए, तो आपको बहुत अच्छा अच्छा फीलिंग आएगी, बिल्कुल आपको लगेगा कि ये जगह अच्छी है घूमने वाली। ये इसराइल के लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि हम और प्रमोट करें। तो दोस्तों, ये भारत के लिए एक तो ये अपॉर्चुनिटी है कि जो मालदीव में 15,000 टूरिस्ट जाते थे, इनको हम अट्रैक्ट कर सकते हैं इंडिया आने के लिए। साथ ही साथ कुछ और देश हैं जिन्होंने इसराइल के ऊपर बैन लगा रखा है, जिनमें से एक है साउथ अफ्रीका ने अभी बैन लगाया नहीं, लेकिन बैन लगाने के प्रोसेस में है, जबकि साउथ अफ्रीका कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है, फिर भी उसने बैन लगाने की तरफ आगे कदम बढ़ा दिए हैं। तो वहाँ से भी ये कुछ इजरायली जो जाते हैं वहाँ पर, वो भी हम इंडिया आ सकते हैं। इसके अलावा और अलग अलग देश हैं इस्लामिक कंट्री जहाँ से इसराइल को बैन किया गया है, तो वहाँ से भी जो इनके टूरिस्ट जाया करते हैं घूमने के लिए वो इंडिया में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया को भी कुछ जगह से उनके जो लोग छुट्टियां मनाने जाते थे उनको वहाँ से बैन कर दिया गया है। जैसे रशियंस इस वक्त यूरोप में नहीं जा सकते और टर्की जाया करते थे घूमने, लेकिन टर्की की ऐसी हालत ख़राब है उनकी करेंसी वगैरह को देखते हुए, वहाँ भी अब ये बहुत कम जा रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले श्रीलंका जाया करते थे, श्रीलंका में भी इनको बैन कर दिया गया रशियंस को, क्योंकि ये कुछ ऐसी पार्टीज़ कर रहे थे जिसमें इन्होंने बोल दिया था कि यहाँ पे सिर्फ गोरे लोग आएंगे, कोई काला नहीं आएगा, और श्रीलंकन्स का कलर थोड़ा सा काला है, तो वहाँ पर श्रीलंकन्स को मतलब ये अलाउड नहीं कर रहे थे। तो इस तरह की जब चीज़ें करी तो श्रीलंकन सरकार ने इन लोगों को बैन लगा दिया, तो अब श्रीलंका में अब रशियंस नहीं जा सकते, पार्टी वगैरह नहीं कर सकते। तो ये भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन दोस्तों भारत के लिए एक दुख भरी खबर भी है। हम कहते तो हैं कि भारत बहुत अच्छा है, वाकई बहुत अच्छा है, यहाँ पे सेफ भी है, घूमने के लिए बहुत जगह है, लेकिन जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं तब तक किसी को पता कैसे लगेगा कि हम वाकई बहुत अच्छे हैं, हमें बताना भी पड़ेगा।
किसी को सपना नहीं आएगा। और बताने के लिए पैसे लगते हैं, प्रमोट करने के लिए पैसे लगते हैं। अब हमने बजट कितने का अलॉट किया था? ओनली 3 करोड़ रुपए। सोचिए, 3 करोड़ रुपए हमने अपने देश के टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए अलॉट किया था। इससे पहले के साल में अगर बात करें तो 341 करोड़ का बजट था और उसमें जो खर्च किए थे पूरे 16 करोड़ भी नहीं खर्च कर पाए थे। तो ऐसे तो हम डेवलप कर रहे हैं कि हम प्रमोट करेंगे अपने टूरिज़्म को, तो दोस्तों ऐसे तो नहीं बात बनेगी। विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है, इंडिया के लोग सोचो अभी प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि इतने ज़्यादा सोचिए वॉइस है, इतने ज़्यादा लोग हैं। पैसा मात्र 3 करोड़ रुपए अलॉट किया गया, कैसे बात बनेगी? इसके लिए सरकार को चाहिए कि और उसका फ़ंड अलॉट करे और उस फंड को यूज करे, तब हमें कुछ उससे बेनिफिट देख सकता है। दोस्तों टूरिज़्म बहुत अच्छा सेक्टर होता है, इससे बहुत अच्छी कमाई होती है। भारत सरकार को सोचना पड़ेगा कि इस पे ये और क्या कर सकते हैं, ताकि जो ये भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है कि दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को हम इंडिया में बुला सकते हैं घूमने के लिए, कम एटलीस्ट उनको तो बुलाएं, वो कहीं और ना जाएं। दोस्तों अब इस पे कुछ और डेवलपमेंट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।